नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन से गुस्साए लोगों ने एसडीएम के ड्राइवर को पीटा और पुलिस प्रशासन से हाथापाई भी की। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि पैसे लेकर अवैध खनन को संरक्षण दिया जाता है। बीती रात कोतवाली क्षेत्र राठ के ग्राम नौहाई में ग्रामीणों ने अवैध बालू खनन से लदे लगभग 8 ट्रैक्टरों को रोककर जाम लगा दिया। लगभग 8 घंटे तक रात में वहां पर जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस व तहसीलदार ने जब ग्रामीणों द्वारा रोके गए अवैध बालू से लदे ट्रैक्टरों को ले जाने का प्रयास किया तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उसी वक्त एसडीएम राठ का ड्राइवर एक बालू भरे ट्रक को स्टार्ट करके ले जाने लगा तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीण मौके पर खनन अधिकारी या डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े थे। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से उनके गांव से अवैध बालू खनन की ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है जिससे उनके गांव की सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं। अवैध बालू खनन करने वाले ट्रैक्टर चालक बहुत अधिक तेज गति से ट्रैक्टर निकालते हैं जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध करने पर गाली गलौज कर धमकी देते हैं और कहते हैं कि हम विधायक के आदमी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस अवैध खनन की कई बार उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की लेकिन इस अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाम है आपका? राहुल सिंह। किस गांव के रहने वाले? नौहाई। अच्छा, आज यहाँ पे अवैध बालू के ट्रैक्टर रोके हुए हैं आप लोगों ने, ग्रामीणों ने, किस वजह से रोके हैं? सर, यहाँ मतलब दो स्कूल हैं, कन्या प्राथमिक, वो प्राथमिक विद्यालय, जूनियर स्कूल और पंचायत घर। बच्चे यहाँ से निकलते हैं, जुलाई लग गया है, परसों से स्कूल खुलने हैं। बच्चे यहाँ से जाते हैं भीग के, कोई गिर जाता है गड्ढे में और सारी दिक्कतें हो रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। और ट्रैक्टर वाले बहुत तेज चलाते हैं, लगता है कि कोई बच्चा मर ना जाए, इसलिए सबको रोक के चलते हैं। और ये बालू है सर, रात दिन चलाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों की समस्या ये है कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, गांव वाले सब लोग। आपने शिकायत नहीं की अधिकारियों से? सर, शिकायत तो ऐसा है कि सबको मालूम है, शिकायत भी की है एसडीएम साहब को थाने में। जब दिन रात चलते हैं तो कहीं देखते नहीं है का? अभी स्वच्छ भारत मिशन का जो चल रहा था, शौचालय बन रहे, तो जो गाड़ी चल रहे थे बैलगाड़ी, उनके तसले बालू जला दिए, किसी का कुछ तोड़ दिया, उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन इन ट्रैक्टर वालों को कोई नहीं रोक रहा, ना कोई कुछ कर रहा है, ना उन्हें दिखाई दे रहा कुछ। तो क्या आपके यहाँ कोई घाट पास है या ये अवैध है? जी, अवैध यहाँ घाट नहीं है, अवैध है। एक नदी है रोरो और बरौली के बीच में, वहां से आती है। रात दिन ट्रैक्टर चल रहा है? रात दिन ट्रैक्टर चल रहा है सर। अभी यहाँ बहुत ढेर सारे ट्रैक्टर रखे हुए भी है और जे है यहाँ जे भरी है मुरम। समस्या आप लोगों की? मेरी समस्या ये है कि ये जो यो बालू का खनन अवैध खनन हो रहा है, ये काफी कम से कम छह महीने से हो रहा है ये, ठीक है। छह महीने से जब हमने इनसे पूछा तो ये बता रहे हैं कि हमारा ठेका है। हमने कहा कि ठेकेदार का नाम कुछ तो होगा, बट इनकी कोई आईडी नहीं है। बिल्कुल ये 100% अवैध खनन है ये। अगर इनसे रोका जाता है तो ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, गांव वालों को हंस करके और गाली दे करके जाते हैं। रोड खराब हो गया और पूरा रोड की एकदम कंडीशन देखिए। अभी तो आपको फोटो में दिखाया गया होगा कि पूरे जहां से बच्चे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो समझ लो थोड़ा सा पानी बरस जाता है तो समझ लो कि आधे पैर समझ लो कि डूब के जाते हैं, यानी कहने का मतलब कीचड़ में, यानी पूरे हेल करके जाते हैं वो लोग। अब ये देखिए, आज दशा देखिए। अब अभी हमने रोका तो अभी इस तरीके से गाली गलौज करके भागे, तब हमने जाकर के इन लोगों को रोक पाया। कौन करवा रहा है ये खनन? ये खनन तो पता नहीं, बता रहे हैं कि ये खनन हम शेयर देते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हमने थाने में दिया है, कुछ लोग कहते हैं हमने एसडीएम साहब को दिया है, कुछ लोग बताते हैं हमने डीएम साहब के लिए दिया है। परसों के दिन डीएम साहब को तो हमने सीधी एप्लीकेशन दिया, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोड के मामले में भी दी है, पानी भराव के मामले में दी है, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो ये ट्रैक्टर जो बालू के हैं, तो कितने ट्रैक्टर चल रहे हैं यहाँ से? इसमें से करीब 20-25 ट्रैक्टर हैं। रात दिन चलते हैं? रात दिन
हमारे बच्चों को दिन भर और रात में बिल्कुल एकदम पूरा खतरा रहता है। अगर शायद हमारे बच्चे छोटे दिन में अगर निकल जाएं तो हमें खतरा बना रहता है कि ऐसा ना हो ट्रैक्टर वाला कोई हमारे ट्रैक्टर की चपेट में आ जाए। ठीक है, इनको अगर शायद रोका जाता है तो हंस के चले जाते हैं और गुंडागर्दी दिखा देते हैं। किन किन अधिकारियों से शिकायत की आपने अवैध खनन? हमने अवैध खनन में जाकर के हमने यानी SDM साहब तक तो शिकायत कर ही दी है। थानेदार तहसीलदार और SDM साहब सबको मालूम है और कई बार उनको पकड़ा भी गया है बट कोई कार्रवाई नहीं है। आज आप लोगों ने क्या कार्रवाई की है? आज हमने कार्रवाई ये किया है कि इन ट्रैक्टरों को रोक करके बस केवल इनको रोका गया है और थानेदार और पुलिस वालों को सूचना दी गई और जाके हमारे ग्रामीण जन गाँव के लोग हैं ढेर सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाहते हैं कि ये अवैधानिक खनन बंद हो। आज कितने ट्रैक्टर लगभग यहाँ पर पकड़े गए? यहाँ करीब आज 8 ट्रैक्टर यहाँ पर रोके गए हैं जिसमें से एक ट्रैक्टर तो बदतमीजी करके भागा है। अधिकारी भी आ गए हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कह रहे हैं कि इन ट्रैक्टरों को ले जाकर के थाने में इकट्ठा कर दीजिए। हम अच्छे से जानते हैं कि थाने में इकट्ठा होने का मतलब है कि घर छूट जाना। तो अधिकारी भी मिले हुए हैं क्या? बिल्कुल 100% मिले हुए हैं क्योंकि आज तक 6 महीने से जब तक खनन हो रहा है जब तक अधिकारी क्या मीडिया अधिकारी लोग या डिपार्टमेंट लोग सोच रहे हैं क्या? 6 महीने से खनन हो रहा है, बराबर खनन हो रहा है, ना ही रोका जाता है ना ही तो कोई कार्रवाई की जाती है। ये बालू कहाँ से लेके आते हैं? हमारे ये बालू बरौली रोरो से। नदी कौन सी है? ब्रह्मा। सर, नोहाई गांव में बड़ी मात्रा में सर अवैध खनन चल रहा है। आज गांव वालों ने 8-10 ट्रैक्टर पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? पहली बात तो नोहाई गांव में खनन से संबंधित कोई पॉइंट है नहीं, कहीं और जगह से आ रहे थे और गांव वालों ने जो पकड़े हैं वो 4 ट्रैक्टर बालू से भरे पकड़े हैं। एक पंचर हुआ खड़ा है, 3 जा रहा है, एक में खाली ट्राली है, ट्रैक्टर नहीं है। हम थाने लेकर के जा रहे हैं और उनकी कार्रवाई होगी, तैयार होगी, सीज होगा। सर, ग्रामीणों ने लगभग 5 बजे से यहाँ ट्रैक्टर पकड़े हुए हैं और उनका कहना है कि रात दिन यहाँ पर सर बालू के ट्रैक्टर चल रहे हैं, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सर, क्या ऐसा नहीं है? ग्रामीणों ने हमें लगभग 10-11 के आसपास बताया है। जैसे ही बताया है तहसीलदार साहब आए हैं, यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब, एक दरोगा जी आए हैं और ग्रामीण ही थाने नहीं ले जाने दे रहे थे कार्यवाही के लिए। उन ग्रामीणों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी जो ट्रैक्टर को नहीं ले जाने दे रहे। ग्रामीणों से यहाँ पे कुछ हाथापाई भी हुई है क्या अधिकारियों की? पुलिस पता करते हैं, अभी हमें आप ही लोगों से मालूम हुआ है, ये पता करते हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अवैध खनन पे लगाम लगेगी? सर बिल्कुल लगी भी है। अब चोरी छुपे लोग ले जा रहे हैं तो उनके खिलाफ ऐसे ही कार्यवाहियां होंगी। सर, गांव वालों का कहना है कि खुलेआम कई महीनों से अवैध खनन हो रहा है और प्रशासन को बराबर सूचना दी जाती है। ऐसा नहीं है, उन्होंने प्रशासन सूचना दिया है, कार्यवाही हुई है। जब भी जिसने सूचना दिया है कार्यवाही, गाँव वालों ने सीधा आरोप प्रशासन पे संरक्षण का लगाया है। नहीं, गलत। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।